प्रोफेसर डी एन मौर्या की पाठशाला में आपका स्वागत है टुडेज टॉपिक इज इंडियाज पॉपुलेशन बर्थ रेट एंड डेथ रेट आज के दिन भारत की आबादी 143 करोड़ प्लस है यह डाटा वर्ल्डोमीटर डॉट कॉम से लिया गया है जो कि वो मिनट बाय मिनट यह अपडेट करता रहता है यह पॉपुलेशन करीब करीब 17.7% परसेंट है दुनिया के पॉपुलेशन का बिकॉज वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ नाउ क्लोज टू 800 हंड्रेड आउट ऑफ विच हंड्रेड फोर्टी करोड़ इज़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया सो हमारी आबादी 17.7% परसेंट पूरी दुनिया की आबादी के बराबर है इसमें अगर डिवाइड करें रिलीजन वाइज तो हिंदुओं की पॉपुलेशन रफली 82% परसेंट है मुस्लिम पॉपुलेशन 15 परसेंट है क्रिश्चियन पॉपुलेशन टू पॉइंट फोर परसेंट है एंड अदर्स अदर्स मीन्स जो कि वेरी वेरी स्मॉल नंबरस हैं और जो लोग नासिक है धर्म को नहीं मानते हैं उनकी आबादी करीब जीरो पॉइंट सिक्स परसेंट है हम हिंदू की बात करते हैं तो हिंदू मीन्स नॉट ओनली हिंदूज हिंदूज एंड दिमिलर रिलीजन विच आर ओरिजिनेटेड फ्राम हिंदूज एंड दे आर ओरिजिनेटेड इन इंडिया सो दैट इज़ सिख जैन एंड बौद्ध सो so, ये सब मिला के एट्टी टू परसेंट हैं मुस्लिम टू पॉइंट क्रिश्चियन टू पॉइंट फोर परसेंट हैं मुस्लिम फिफ्टीन परसेंट हैं एंड अदर्स जीरो पॉइंट सिक्स परसेंट है, 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 है. यह स्टैटिक्स जो हम बता रहा हूँ यह रफली ये रफ फिगर है रफ़ फिगर मीन्स वेरी क्लोज फिगर है आई एम नॉट डेसिमल लेकिन ये लिया गया है 2011 सेंसस के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंसस फ़िगर 2011 का उसके हिसाब से फिगर लिया गया है नाउ बर्थ रेट इन इंडिया इज़ फिफ्टी वन चिल्ड्रेन टेकिंग बर्थ एवरी मिनट सो दिस इज़ अगेन टेकन फ्राम एम डी इंडिया वेबसाइट फिफ्टी वन बर्थ पर मिनट टेकिंग प्लेस इन इंडिया सो यह बर्थ रेट डिपेंड करता है फर्टेलिटी रेट पर टी एफ आर विकालिड टोटल फर्टेलिटी रेट जो कि डिफाइन होता है द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट आर बॉर्न टू ए वूमन

नेचुरल डेथ को हम ओल्ड एज डेथ भी बोलते हैं सो डिफिनीसन नेचुरल डेथ का होता है द डेथ दैट आकर्स ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स दैट काजेज बॉडी टू शट डाउन जो कुछ चीज़ें आंतरिक रूप से होती हैं एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होना चाहिए इंटरनल फैक्टर जिससे कि बॉडी काम करना बंद कर देती है उसको हम नेचुरल डेथ बोलते हैं जैसे कि आपका आर्गन लेटर से लंग्स लंग्स ने काम करना बंद कर दिया नाउ अगर ये नेचुरल डेथ है ड्यू टू ओल्ड एज है तो हम इसको नेचुरल डेथ बोलेंगे और अगर ये ड्यू टू सम प्रॉब्लम लड़ते ड्यू टू कोविड द लंग्स स्टॉफ फंक्शनिंग, सो ये नेचुरल डेथ में नहीं आएगा ये जो है डिसीज में आएगा सो so, ये नेचुरल रीजन होना चाहिए दैट इज़ समथिंग विच इज़ इंटरनल नथिंग एच कम फ्राम द एक्सटर्नल सोर्सेज नथिंग फ्राम आउटसाइड नाउ सेकेंड रीजन ऑफ द डेथ होता है मर्डर

आर पुटिंग द फायर अराउंड सो दीज आर द वेरियस रीजन फॉर द सुसाइड सो दट इज़ द थर्ड कैटेगरी ऑफ डेथ फोर्थ कैटेगरी कुड भी एक्सीडेंट एक्सीडेंट इंडिया में सबसे फिनमिनल एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं रोड एक्सीडेंट रोड एक्सीडेंट इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू स्टेटिक्स सोज फोर हंड्रेड सिक्सटी पीपुल डाइड ऑन द बेसिस ऑफ पर डे पर डे फोर हंड्रेड सिक्सटी डेथ ऑन द रोड एक्सीडेंट Road accident basically takes place because of the speed. And speed of the vehicle is basically because of the advanced vehicle coming, having more than 100 km per hour. And we have got the roads, well built road, four-lane, six-lane expressway, super expressway, where the vehicle speed, vehicle can have the speed of more than 100 km per hour. 100, 120, 130.

So, that is the speed of the vehicle on the road which makes the people meet the fatal accident, which is 450 people or 450 deaths per day, statics of 2022. The next accident, let us say rail accident, accident by the train, this is roughly 45 deaths per day. Other accidents are like drowning, fire, etc. ज आर द एक्सीडेंसल डेथ दैट इज द कैटेगरी नंबर फोर कैटेगरी नंबर फाइव इज डिसक समी इज हैविंग सम डिसीज इट कु कैंसर कोविड टी बी डायरिया सो मेनी थिंग्स आर देयर तो बिकॉज ऑफ डिसीज पीपुल डई दैट इज़ द डेथ ड्यू टू डिसीज देन सिक्स वन इज द नेचुरल कलामिटीज़ नेचुरल कलामिटीज़ क्या होते हैं जैसे सुनामी आ गया अर्थक्वेक हुआ भूकंप हुआ देन ज्वालामुखी फटा वालकोनो बोलते हैं सो so, इस तरह की चीज़ें हाईवी रेन हुआ सो so, इस तरह की चीज़ें जो है नेचुरल कलामिटीज़ में आती हैं और ये सब मिला करके द नंबर ऑफ डेथ पर मिनट इन इंडिया इज़ नाइनटीन उन्नीस लोगों की मौत पर मिनट इंडिया में होती है और पैदा कितने लोग होते हैं कितने बच्चे होते हैं 51. तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो रफली टू पीपल टू थाउजेंड इज एडेड एवरी आवर पर आवर दो हज़ार लोगों की इंक्रीज होती है वृद्धि हो जाती है इसलिए हमारी जनसंख्या जो है बढ़ रही है तो अनलेस गवर्नमेंट कम्स आउट विथ ए यूनिफॉर्म पॉपुलेशन पॉलिसी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री एंड डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट फॉर द सोसाइटी टू लुक इन टू द वेलबीइंग ऑफ द पीपुल the progress, prosperity of the people cannot be looked after by the government if the population keeps on rising at this particular pace. that is 2,000 people being added per hour. this was the topic on india's population, birth and death rate. with this, i will finish. people who have not subscribed, please subscribe to my channel. this is a request from my side. See you in the next topic with a fresh See you in the next session with a fresh topic till then bye bye